इतनी जल्दी और इतनी प्रायोरिटी पे काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो अब आप घर के कागज दे देते तो। पता है, उम्मीद ये शब्द ऐसा है कि इंसान के जरूरत पे बहुत काम आता है जी। और जरूरतमंद इंसान को अपने सामने उम्मीद रखने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। मतलब यही तो प्रॉब्लम है ना, आप समझ रहे ना आपकी बीवी, बस दोनों मुझ पर चढ़ गए। पेपर्स दो, घर के पेपर्स दो। आज की डेट में अलाउद मेंशन के ऊपर कब्जा जमाने वाली बर्फी देवी सबसे बड़ी शख्सियत बन चुकी है। उन्हें नाराज करके मैंने अगर घर के ओरिजिनल पेपर आपको दिए तो उनका गुस्सा मुझ पर ही फटेगा। आप कीजिएगा मुझे, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। और सच तो ये है कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। कितने पैसे दिए आपको उसने यहाँ नाचने के लिए? क्या कह रहा था? अलावत मेंशन भी कोई हमारे घर के मंदिर को हाथ लगाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैं कहता हूँ राजवर्धन जी, आपके छोरे ने सबको एक लाइन से खड़ा करके गालियों की गोलियां बरसाई हैं। मुझको, सरकार को, पुलिस को, सरकारी अधिकारियों को, और यहाँ तक कि उस बेचारे गरीब ऑटो वाले को भी नहीं छोड़ा उसने। और वो रजिस्ट्रार तो गुस्से में तमतमाया हुआ मिनिस्टर के पास जा रहा था शिकायत करने, वो तो मैंने रोक लिया। क्या कहते हो? ये जो वीडियो आया है मेरे पास, इसे डाल दूं पुलिस में? आपका बेटा जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे होगा। और शतिया कहती हूँ कि जी तोड़ मेहनत करके भी अपने बेटे को बाहर ना निकाल पाओगे जेल से। आपका सोच के रुक गई मैं। सोचा तो कि अभी सर से छत ही गई है, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी चली गई तो क्या होगा आपका? आपका चोरा क्या करोगे आप उसके बिना? वैसे आपके छोरे के हाथ में लाठी बहुत सज रही है राजवर्धन जी। देखिए, आप ये वीडियो को प्लीज कहीं भी किसी को मत भेजिएगा। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, और आप भी अपने बेटे और बहू को अच्छे से समझा देना कि इस घर की नीलामी को रोकने की एक भी कोशिश की ना तो जो कह रही हूं करके दिखाऊंगी। फिर ये मत कहना कि बर्फी देवी जी ने वार्निंग ही ना दी। हेलो हर साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे आपसे एक बहुत ही अर्जेंट काम है और मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। ओ मिस्टर अलावत, आप मुझसे आपकी प्रॉपर्टीज और घर के बारे में बात करना चाहते हैं ना? जी हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा हुआ आपको सब पता ही है, तो मुझे आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारी फाइल रेडी कीजिए प्लीज। तो है मेरा फोन, लेकिन आपके बैग में कैसे चला गया? मुझे नहीं पता। एक मिनट, आप तो वही हो ना, वो अहलावत खानदान वाली जो गरीब होकर सड़क पर आ गए हैं और अब अपनी बहू के मायके में अपना पूरा खानदान लेके जम गई हो और अब इस गरीब का फोन चुरा रही हो जी? अरे भाइयों और बहनों, इधर आओ, देखो ये देखो, ये है अहलावत परिवार के लोग और इस गरीब का फोन चुरा रही हैं। How dare you? बबीता जी क्या कर रही है? क्या बकवास कर रही है यार? नहीं बबीता जी, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो फोन चुराया इन्होंने और थप्पड़ खाए हम। ऐसे लोग
गरीबों को हाथ मारकर ही अमीर बनते हैं। सब के सब चोर हैं, चोर सही बोल रहे हो। अब मैं तुम्हारे मुंह पे ये कालिख मलूंगी और तुम्हारे माथे पे लिखूंगी कि तुम चोर हो, तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा अच्छा ओके, ये पिज्जा शॉप के पास में है ना? हाँ हाँ, वो कन्वीनियंट रहेगा। पिज्जा? आई थिंक ये कुछ यमी ऑर्डर कर रही है, इससे कहती हूँ ऑर्डर डबल कर दे। हाँ थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मैं अपने सीवी पिज्जा शॉप के लिए भी भेज दूंगी। थैंक यू। अब सीवी, अब ये तुम किससे बात कर रही थी? नहीं, वो एक जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। जॉब? लेकिन तुम तो फर्दर स्टडीज करना चाहती थी ना? राइट, करना चाहती थी, पर अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैमिली में जितना पैसा आ सके उतना अच्छा होगा। राइट, तो मैं अपने एंड से जितना ट्राई कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर ऑल इस फैमिली ने मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरी माँ दी, पापा, घर, पहचान, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस मिला। तो पाओ, तुम तो फुल फॉर्म में हो। आपको पता है मासूमदी, मैं किस बात से इतना चार्ज्ड अप हुई हूँ? कैसे? मैंने राज अंकल और बबीता आंटी को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि वो इस फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी है। अरे मासूमदी, क्या हुआ? नहीं, आई जस्ट रियलाइज्ड कि तुम तो अभी अभी इस घर में आई हो और सबके बारे में इतना सोच रही हो। मैं तो बचपन से ही इतनी सेल्फिश रही हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचती आई हूँ। घर पे किसी के लिए कुछ करूँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो व्हाट्स अ बिग डील? आप अभी तो स्टार्ट कर सकती है ना। इट्स नेवर टू लेट। यू आर राइट। थैंक यू ईशानी, मेरी आंखें खोलने के लिए। अब तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम दोनों सिस्टर्स मिलके जॉब ढूंढेंगे भी और करेंगे भी। डन। देख, सीधे सीधे जवाब दे, वरना यो जो मीत उस्ताद का हाथ है ना, यो 2.5 किलो का दिखता है ना, पर जब पढ़ता है ना तो इंसान के 2.5 टुकड़े जरूर हो जाते हैं। हेलो, वो रजिस्टर आ रहा है, चाय टपरी पर रोज की तरह चाय पियाने, तो तैयार है ना? अच्छा सुनना, डबल कमीशन मिलेगा पर घर बिल्कुल महल के जैसा होना चाहिए। छोटी मोटी पार्टी नहीं है रे बाबा, बहुत बड़ी पार्टी है, बिल्कुल राजा महाराजा टाइप की, वो भी बाहर देश की। हाँ भाई साहब, आप कोई बड़े महल के तलाश में हैं? हाँ भाई, बोले तो शाही पार्टी एकदम। चंडीगढ़ में महल खरीदने के लिए आ रहे हैं। 36 घंटे में 7 समुंदर पार होके आ जाएंगे। उससे पहले कोई महल खड़ा करना पड़ेगा, वरना भारी नुकसान हो जाएगा मेरा। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं वो लोग। क्या मैं ऐसी कोई चीज आपको दिखाऊं तो डील हो जाएगा?
मेरा मतलब है मुझे कमीशन मिलेगा, पेटी भर के पैसा मिलेगा बॉस। अल हबीबी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे घर का मालिक इन कहाँ होती? जी अंदर। हमारे बारिस्तान की रानी तुम्हारा प्रॉपर्टी देखने को आती। बारिस्तान की रानी, क्या हुआ? शर्म आ रही है इन कपड़ों में? माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए कोई भी हद पार कर जाते हैं, ये तो आप मुझे देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। और आप लोगों कितना सा काम नहीं हो पाता। चलो, सारा काम पड़ा है घर का, उठाओ झाड़ू पोछा और जाओ काम पे लगो, और पहले मंजिल के फर्श को कांच की तरह साफ करो। उठाओ। बरिस्तान की रानी, बरिस्तान की रानी। ये क्या देखती तुम? बरिस्तान की रानी मालकिन को बुलाती। अम्मा ने हमारे साथ बहुत गलत किया अमित, बहुत खेल खेला ना, आज सबक सिखाते। कपा होकर यहां से जाती। रानी रानी रानी, गुस्सा होती तुम्हारा बहुत नुकसान होती। रानी जी रानी जी रानी जी, माफ 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 कर दो। बर्फी देवी आपको सलाम करती ऐसे। अल हबीबी, शेख इमरान मुर्ग मुसल्ला, ये नौकर कौन होती? मैं नौकर नहीं हूँ रानी साहिबा, मैं इस घर की मालकिन हूँ, और इस घर का पेपर भी है मेरे पास, आप कहेंगी तो मैं दिखा दूंगी आपको। मालकिन करेली कौकी, तू सिर्फ सैतान नगरी की कब्रों की मालकिन हो सकती है। धोखे पांच मक्कार क्या? हिंदी सीखती, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल हिंदी बोलती। आई लव हिंदी। मैंने भी लव हिंदी। एवरीबॉडी लव्स हिंदी, यू लव हिंदी, हम लव हिंदी, बरिस्तान की रानी लव हिंदी। शेख इमरान मुर्ग मुसल्ला, प्रॉपर्टी कब से कब से सब सब कुछ? रानी कहती है उनको प्रॉपर्टी दिखाओ, उनको पांच और प्रॉपर्टी देखने को जाना है। पांच और प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही ना है, ये घर ही अपने आप में महल के जैसा है, आपको पसंद आ जाएगा। अरे बबीता जी, क्या कर रही हैं आप? आपके हाथ ज्यादातर पानी में रहेंगे ना तो आपको बुखार हो जाएगा। आप ये सब छोड़िए, मैं करता हूँ, वैसे भी आदत नहीं है बबीता जी, छोड़िए। राज, वक्त और हालात ना सब सिखा देते, और फिर आप है ना मेरे साथ, आसानी से हो जाएगा। फिर भी लाई लाई मुझे दीजिए। राज राज, वो कौन से मेहमान आने वाले हैं जिनके आते ही बर्फी देवी ने हमें वहां से हटा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग हमारा घर खरीदना? हो सकता है वही हो, मैं जाके देखूं एक बार। हाँ नहीं 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 राज, आप यहीं पर रहिए, कहीं उसने आपको वहां पर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है हमें यहीं पर रह के इंतजार करना चाहिए। ठीक है लाइए। नहीं आप मत करिए, मैं कर रही हूँ ना राज। एक ही बात,
निशानी आज लाइफ में पहली बार समझ में आ रहा है कि एक जरूरतमंद इंसान के लिए जॉब की क्या वैल्यू होती है। हाँ मासूम दी, खुदी अगर हम हर जगह से ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए गए तो हम फैमिली की हेल्प कैसे करेंगे। दिखने में दोनों अच्छी और जरूरतमंद भी, इनकी हाई प्रोफाइल बना के बड़ी आसानी से इन्हें गलत कामों में डाला जा सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं छाया हूं, ये मेरा कार्ड है। मेरा जॉब प्लेसमेंट है और मुझे लगा कि आप लोगों को जॉब की जरूरत होगी तो शायद मैं आप लोगों के काम आ जाऊं। जॉब बहुत अच्छी है, बाकी डिटेल्स हम लोग ऑफिस में कर लेंगे अगर आप ट्रेनिंग के लिए आएंगी तो। एक सेकेंड, ये बिना इंटरव्यू बिना क्वालिफिकेशंस के आप हमें ऐसे जॉब कैसे ऑफर कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे फील्ड में ना जरूरतमंद लोग जो है ना वो लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं तो हमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ पैसे है, रख लो। डैड, क्या हुआ? तुम लोग अभी बर्फी देवी के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं डैड, वो जनरल बात कर रहे थे, जस्ट यूजुअल टॉक। आप दोनों यहाँ पे कुछ काम था? देखो बेटा राज, हम लोग बेटा ऐसे बस तुम लोग को ऐसे देखने आ गए। यू जल कैसे गया आपका? यू देखा तूने? कैसे लग गया यू? ये वो मैं सिगड़ी पे काम कर रही थी ना तो वहाँ पे उसे लग गया। आदत नहीं है ना काम करने की तो। मोम आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपको पहले बताना चाहिए था, हम डॉक्टर के पास। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा थोड़ी ना लगी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है तो बस तुम लोग आराम करो, ऐसे बस देखने आते हैं। चलिए राज। मम्मी जी अरे क्या हुआ? खुश रहो बेटा, लेकिन एकदम से अचानक ऐसे पाँव क्यों छुए? मतलब कुछ ना मम्मी जी, वो बड़ों का आशीर्वाद साथ रहता है ना तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। जीत रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोग के साथ है। ईश्वर करे तुम लोग जो भी सोच रहे हो, जो भी तुम चाहते हो, वो सब तुम लोग को मिले। चलो बच्चों, तुम लोग भी आराम कर लो। आइए राज। गुड नाइट। गुड नाइट। एक रात का लाखों रुपए कमाओगी, और करना क्या है? लाइक जो कहे बस वही। तुम दोनों की लाइफ ना सेट है सेट। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह की घटिया और चीप बातें करने की? निशानी चलो। हाँ दी चलो। यहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश मत करो। पूरे दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगी कि तुम दोनों इस धंधे में हो। 2 मिनट लगेगा तुम दोनों की प्रोफाइल ऑनलाइन वायरल करने के लिए। और तुम दोनों कल तो पैसे भी लिए थे ना मुझसे, याद है? एक मिनट, एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो। देखो ये दोनों तुम ही हो ना? सोचो ये पिक्चर अगर वायरल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, एक बदनाम औरत से तुम लोग क्यों पैसा ले रही हो? लोग यही सोचेंगे कि तुम दोनों भी मेरे साथ काम करती हो। और ये भी सोचो कि अगर ये पिक्चर वायरल हो गया तो तुम दोनों अपने फैमिली को क्या बोलोगे? किछु बुझेछो कि होबे आगे? सबके बीच आ रही हैं बहरिस्तान की महारानी साहिबा। आइए महारानी साहिबा। आइए महारानी साहिबा बैठी, इनके लिए भी नाश्ता लेकर आओ जल्दी। आप सब तो जानते ही हैं कि अहलावत कोठी चंडीगढ़ में अपनी आन बान और शान के लिए कितना मशहूर है, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस घर को अब नया मालिक मिलने वाला है जो इस घर की आन बान और शान में और चार चांद लगा देगा। मैं जानती हूं उम्मीद करेली काकी ने देख कर तेरा खून खोल रहा होगा, और मम्मी जी और पापा जी ने देख कर तेरा दिल रो रहा होगा, पर यही हमारे सब्र का इम्तिहान है, बस कुछ देर और। फिर करेली काकी ने ना खुद भी ना समझ आएगा कि उनका धरती पर रुकना ठीक है या तो निकल जाना। आइए रजत शाह साहब। बहरिस्तान की रानी जल्द से जल्द घर का पेपर मांगे, तुम पेपर साइन करके देती वो तुमको रियाल और सोने में नहला देती। शुभ काम में देरी कैसी, अभी लाती हूँ। ऐसा ना हो आपका दिल निकलकर उनके कदमों में गिर जाए, तब सबका दिल चुराने आ रही है हुस्न की मलिकाए। तालिया। Sure.
चांद जमीन पे मैं और से देख हर कहीं पे मैं सारी दुनिया की नजर है जिस पे शक सही है तेरा वही हूँ मैं जिसके नाम की जपती माला जिसको सब कहते दिल वाला जो मुझको पसंद जो है अखियों में बंद मैंने दिल उसको दे डाला काला मीत माँ बाप कुछ भी देख सकते हैं पर अपनी औलाद की इज्जत की नीलामी होते हुए ना देख सकते मुझे डर है अगर मम्मी जी और पापा जी ने देख लिया तो उनका तो दिल ही बैठ जाएगा एक बात तो मैं समझ गया उम्मीद कि मासूम दी और ईशानी को यहाँ लाया गया है जबरदस्ती से लेकिन वो दोनों यहाँ आने के लिए राजी कैसे हो गई यार अब आएगा असली मजा अहलावत खानदान की छोरियां आप ही पेट के लिए अपनी इज्जत तक की नुमाइश कर रही हैं बंद करो सब बंद अंदर क्या तका जागी कर रहे हो तुम वार्ड बॉय हूँ सर चेक करना पड़ेगा पेशेंट को किसी चीज की जरूरत है अंदर जाना अलाउड नहीं है किसी का भी और वार्ड बॉय को तो अपना काम कर पड़ेगा ना सर रुको एक मिनट मैं रुकता हूँ सर काकी ने पेपर कितने रखे हैं माता रानी मदद करो काम की बात तुम्हारी अम्मा अलावत मेंशन की नीलामी करवा रही अभी अम्मा से बात होगी तुम्हारी तो अम्मा को कह देना कि अलावत मेंशन की नीलामी इसी वक्त रुकवा दे और वो फर्जी कागजात जिसकी वजह से वो अपने आप को मालकिन क्लेम कर रही है ना उन डॉक्यूमेंट को ले जाके मेरे परिवार के सामने फाड़ दे और सारे के सारे घर वालों के सामने जाकर सच बता दे अल्लाह
दो किरदार तो छोड़ो, एक किरदार भी नहीं निभा पाओगे। ये तो नीलामी के कागज है। बकवास करनी है अपनी अम्मा से करो, मुझसे नहीं। उधर पर नीचे कैसे गिरे? कमरे में कहीं कोई आया तो ना था? लेकिन हम आप पर यकीन कैसे करें? अब आपको यकीन करना है तो कीजिए वरना मत कीजिए। लेकिन मैं ये कहने आई हूँ कि जो सारी प्रॉपर्टी मैंने धोखेबाजी से हासिल की है वो मैं वापस करने आई हूँ। यकीन नहीं होता? अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी संभालिए आप लोग। दूसरे से कोई अलग नहीं करें, कुछ नहीं होगा मीत, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमारी जिंदगियों में सब कुछ सिर्फ अच्छा अच्छा होगा, बस। कोई गड़बड़ नहीं होगी। सॉरी। अगर इससे ज्यादा सुकून ना और कहीं ना है। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। आजा पुत्र, आजा अंदर चलते हैं। हाँ हाँ डैड मॉम, आप लोग अंदर चलिए, आप सब लोग अंदर चलिए, हम आते। चलो भाई आजा सारे, आओ आराम से नीचे उतरो। सब तो अंदर चले गए, हम बाहर के करने वाले? बताता हूँ, पहले अपनी आंख बंद करो। आंखें बंद करो। ठीक है, चल। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो।
आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी मीत। पिछला सब कुछ पीछे छोड़कर खुशियों भरी एक नई शुरुआत। प्लीज बच्चा, तुम चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अधूरा हो जाऊंगा। बच्चा प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज बच जाओ। पता नहीं मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी कि नहीं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में एक डोर है, हमारी ईशा, और उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम, मैं और ईशानी यूएस जा सकते हैं ईशा से मिलने? हम सब जाएंगे ईशा से मिलने, टिकट करवाता हूं। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। तेरे मुखड़े पे जैसे काला धोले जिता है तेरे चिन पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, और न होनी वे, तू मुंडा बिल्कुल देती है मैं कट दी ना तो सूढ़ी। के बात होगी इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास मिस्टर अलावत के खिलाफ सर्च वारंट है, हमें इनकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। कैसा सर्च वारंट? मगर हुआ क्या है? बात क्या है, ये तो गाड़ी की तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगी सबको। मिस्टर अलावत प्लीज गाड़ी की चाबी। मिस्टर अलावत, शायद वो सफाई वाला कपड़ा फंस गया है इसलिए नहीं खुल रहा, मैं कोशिश करूं। मैं खोलता हूं। अरेस्ट हिम। मीत, हमने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें हमें मिस्टर अलावत वहां जाते हुए और वापस बाहर आते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, और हमने वो सारे वीडियोस भी बरामद किए जिसमें मिस्टर अलावत नीलम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
और इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर हम इनकी गाड़ी चेक करने आए थे। और अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नीलम का खून मिस्टर अहलावत ने ही किया है। ना मेरा मीत किसी का खून ना कर सकता है इंस्पेक्टर साहब। आप अपने सबूत में ले होंगे पर यू आपकी गलत फहमी भी तो हो सकती है। मीत किसी का खून ना कर सकता। तूने योना किया है ना मीत। मीत तो गुस्से में गलत कदम उठा लेता है पर तू किसी का खून ना कर सकता है ना। मीत मेरी तरफ देख रहा। मीत मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मीत बोल ना। तूने ना किया। तूने ना मारा नीलम पर। मीत नीलम तूने नीलम ने ना मारा है ना। तूने ना किया ना। यो कौन भरोसा करती हो तुम मुझे? हाँ मैंने नहीं किया। मीत क्या तुम मेरे दिल की धड़कन को महसूस कर सकती हो? उम्मीद क्या तुम समझ सकती हो कि मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे होते हुए इतने आराम से चल रही है? पता है क्यों? क्योंकि तुम इस दिल की धड़कन की ढाल हो। क्योंकि तुम इस दिल की ताकत हो। जब तुम हो तो फिर मुझे किसी चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम हो तो तुम मुझे मौत के मुंह से भी खींच कर ला सकती हो। तुम वो उम्मीद जब इस सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए और इस दुनिया में एक भी इंसान मेरे साथ खड़ा ना होना, तब मेरी मीत इस मीत के साथ खड़ी होगी। तुम वो हो जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है और उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे और कोई कर नहीं सकता। सच्चे मीत बिल्कुल सच्चे। पूरी दुनिया में ना मेरे से ज्यादा तन्ने और कोई ना प्यार कर सकता। मैं जानता हूँ। पर तन्ने पता है बनने ताकत कहाँ से मिलती है? तेरे ते। एक बात मेरी ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जब दो लोगों के दिल जुड़ जाते हैं ना, फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी दूरियां दो दिलों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। मीत आंखें बंद करके अपने मीत को याद करना। तुम्हारा मीत तुम्हारे पास होगा। क्योंकि पूरे चंडीगढ़ में आपसे बेहतर और आपसे जानकार क्रिमिनल लॉयर और कोई भी ना है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मीत का केस लड़ें। क्या बात है अनुराग जी, क्या सोच रहे हैं आप? कोई दिक्कत है कि आपकी जो भी फीस है जितने भी पैसे हैं हम सब देने के लिए तैयार हैं। आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए। अनुराग जी किस सोच में डूब गए आप? मिस्टर अहलावत का केस लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ।
जी थैंक यू, मैंने पूरा यकीन है आप केस लड़ेंगे ना तो मेरा मीत छूट जाएगा, उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम सब सब मिट जाएंगे, मैं केस की फाइल भिजवा देती हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है मीत। ताज्जुब है, आज कोर्ट में कोई वकील नजर नहीं आ रहा, आज तक के मेरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, ना तो डिफेंस की तरफ से कोई लॉयर है और ना ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से। जज साहब मैं माफी चाहती हूँ पर डिफेंस की तरफ से लॉयर बस थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। हमारी तरफ के भी प्रोसिक्यूशन लॉयर आने वाले हैं। योर ऑनर, मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर लॉयर हूं और मैं ये केस बर्फी देवी की तरफ से लड़ूंगा। मिसेज मीत अहलावत, क्या आप इस केस पर आर्गुमेंट करने के लिए क्वालिफाइड हैं? योर ऑनर, मैंने वकालत की पढ़ाई तो ना की है पर मैं पुलिस की जॉब में ऐसा ही थी, इसलिए मैंने कानून के बारे में जानकारी है और कानून का सबसे पहला धर्म यो है सच्चाई ने सामने लाना और किसी बेगुनाह ने सजाना दिलाना। मिस्टर अनुराग, मिस्टर अहलावत की तरफ से मिसेज मीत अहलावत ये केस लड़ती हैं तो इस बात पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो इनकी बात से अग्री करता हूँ कि सच सामने आना चाहिए, मेरी भी वही कोशिश रहेगी। मिस्टर मीत अहलावत की तरफ से मैं मिसेज मीत अहलावत को ये केस लड़ने की परमिशन देता हूँ। All the best. अपने पति को अपने हाथों से सजा दिलवाओगी, दिल को कितना चैन मिलेगा ना।
प्रोसिक्यूशन इस केस के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं। यह है सीधी सादी नीलम की तस्वीर। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर मीत अहलावत अभी के अभी मिस्टर अनुराग को छोड़िए। मीत शांत हो जा, क्या कर रहे हैं? मीत यूं बस तुमने भड़काने की कोशिश कर रहा था। एक बार मीत पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप जाकर कटघरे में खड़े हो जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए। रोना, आपने देखा इस इंसान ने सबके सामने कोर्टरूम में मुझे जान से मारने की धमकी दी, और यही वो गुस्सा था जिस गुस्से की वजह से इसने नीलम का खून किया। इसके गुस्से की वजह से और लोग ना मरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इंसान को इस केस में उम्र कैद या फिर फांसी की सजा सुनाइए। योर ऑनर, मैंने सुना है कि कानून बिना सबूत के कोई भी फैसला ना लेता। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मैंने कुछ समय की मोहलत दी जाए ताकि मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर सकूं और अपने पति ने बेगुनाह साबित कर सकूं। मीत अहलावत, कोर्ट आपको 3 दिन का टाइम दे रही है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। फाइनल हियरिंग सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, तो आप दोनों 3 दिन के अंदर अपने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम्हारी वजह से मेरी अमृता अपाहिज हुई है, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारी खुशियों को इस कदर अपाहिज कर दूंगा कि तुम चाह के भी मिस्टर अहलावत को बचा नहीं पाओगी। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती। तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है मीत हुड्डा। डरते तू ना होगा शहर का बड़ा नामी वकील, पर प्यार के मामले में ना तू बिल्कुल अंगूठा छाप है। तूने सच्चा प्यार ना किया, और अगर तूने अमृता से सच्चा प्यार किया होता तो दो प्यार करने वालों को अलग करते हुए ना तेरी आत्मा कांप जाती। हरे मन ने तो तरस आता है अमृता पर जिसकी जिंदगी में तेरे जैसे इंसान। चुप हो जा बिल्कुल। तू चुप हो जा और मेरी बात ना ध्यान से सुन। अगले 3 दिनों में मैं नीलम के असली कातिल ने ढूंढूंगी और सबके सामने लेकर आऊंगी। मतलब कितनी मेहनत, कितना जुनून लगता होगा ना एक ही बात ने लास्टिक की तरह खींच खींच के बाल की खाल निकालने में। मेरा मतलब है ब्रेकिंग न्यूज देते देते आप लोग खुद ही ब्रेक हो जाते हो,
ना खाने की सुध ना पीने की सुध, बस 24 घंटे कैमरा और माइक ताने लगे रहते हो और सोचते भी ना हो कि अंजाम क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, पर यहाँ ऐसा ना चलेगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आराम से खाइए। अरे रिपोर्टर साहब, आप तो कुछ लेना रे, समोसा ट्राई करो, बड़ा अच्छा। अरे ट्राई करिए, इसके बाद ना मैं आप सब ने एक तड़कती भड़कती एकदम गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज दूंगी, इसी केस से जुड़ी हुई। बेटा ये सब हो क्या रहा है, और तुमने जर्नलिस्ट को घर के अंदर क्यों बुलाया? ये लोग चैनल में अनाप शनाप दिखा रहे हैं मेरे बेटे के बारे में, तुम इन सबका आदर सत्कार कर रहे हो? मम्मी जी, पापा जी, बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। पर मीत, तो भाई तैयार हो आप सब हैं? नीलम हत्याकांड केस ने आज एक नया मोड़ लिया है। कुछ घंटों पहले मन्ने का आदमी का फोन आया जिसने नीलम का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। वो जानता है कि असली कातिल कौन है, और इसी सिलसिले में आज शाम उसने मन्ने मिलने बुलाया है। मिसेज मीत हुडा, कौन है वो, आप नाम बताएंगे उसका? जी अभी के लिए बस इतना ही बता सकती हूँ। हमारे पास कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में, कोई भी ऐसी जानकारी? बस 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 बस, चलिए, थैंक यू थैंक यू। बेटा वो कौन था जिसने तुमको फोन किया? हाँ, और उसने क्या बताया? वो वापस कॉल करेगा? फोन तो जरूर आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आ गया फोन? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा रचा हुआ झूठ है। वैसे तो तन्ने जवाब देने का मेरे ऊपर कोई दबाव ना है, पर तेरी बेचैनी बढ़ाने के लिए तन्ने तड़ा जरूर बताऊंगी। जहाँ सीसीटीवी ना होते ना, वहां पर भगवान किसी ना किसी की आंख होते, सब कुछ देख ही रहा होता है। तो बस यू समझ ले कि उन्हीं आंखों ने मन्ने कॉन्टेक्ट किया है। मीत, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, पर तुमने शायद मुझे इस केस में बहुत हल्के में ले लिया, और यही बात इस केस में तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तुम भले ही जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन तुम्हारा ये आई विटनेस कोर्ट में कभी गवाही नहीं दे पाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा वकील साहब। इंसान ना दो चीजों से गलती करता है, पहली गुस्से में और दूसरी डर के। जब तन्ने पता चला कि नीलम का खून होते हुए किसी ने अपनी आंखों से देखा है, तो तू डर गया और अपने बिलते बाहर आ गया। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विटनेस, सब कुछ ड्रामा था, झूठ था, तन्ने बाहर लाने के लिए, तन्ने फंसाने के लिए। चल अब अपने हाथ पीछे कर और अपने घुटनों पर बैठ जा।
अब क्या ब्रेकिंग न्यूज लाई हो तुम? तेरी आंखों से झूठ की पट्टी हटाने आई, असली कातिल का चेहरा दिखाने आई हूँ तन्ने। जो तुम मुझे बताने आई हो ना वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि मुझे किसने बताया? खुद प्रताप ने। ये मतलब मेरे यहाँ आने से पहले प्रताप ही आया था तेरे से मिलने? हाँ, मुझसे मिलने और तुम्हारा असली चेहरा दिखाने। अपने पति को बचाने के लिए तुमने उस लड़के को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की और फिर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ताकि तुम उस पर इल्जाम का ड्रामा क्रिएट कर सको और अपने कातिल पति को बेगुनाह साबित कर सको। बकवास कर रहा है तू, झूठा है वो सब। किस्सा चमी थोड़ा। और जब उस बच्चे ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तब तुमने उस पर जोर डाला, उसे धमकी दी, तब वो बेचारा खुद को बचाने के लिए मेरे पास आया और अब तुम उस पर कितना भी जोर डालो ईसानी ने बोला था आने को। कल वाली घटना में प्रताप ने उसी की गर्दन पर वार किया था, उसी ने मारने की कोशिश की थी। प्रताप के खिलाफ उसी की गवाही लगेगी, पर वो रह कितने गई है? I'm so sorry, meet bro, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई, मैं बस आ रही हूँ। जल्दी आई सानी। या, ओके। सानी? हेलो ईसानी। हेलो, ईसानी नहीं प्रताप, तू क्या कर रहा है वहीं? और ईसानी का है? ईसानी भी नीलम की तरह गाड़ी की डिक्की में है। फर्क सिर्फ इतना है कि नीलम मर गई थी और ईसानी बेहोश पड़ी है। प्रताप तक छोड़ दे उसने। ए सुनो सुनो, मुझे पता चल गया है, तुमने और अनुराग जी ने मिलके कोर्ट के बाहर समझौता किया है और तुम दोनों मुझे शिकार बनाना चाहते हो, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। अब मैं तुम दोनों के साथ खेलूंगा, इसीलिए मैं ईसानी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कोर्ट में मेरे नाम का जिक्र भी ना हो और ईसानी मेरे साथ है इस बात का भनक भी अनुराग जी को ना पता चले। अगर ईसानी जिंदा चाहिए तो कोर्ट से सीधा मेरी बताई जगह पे पहुंचो, वरना थोड़ा केस प्रोसीड कीजिए।
लेकर आ। इसका मतलब कि नीलम को प्रताप ने मारा है और मीत को किडनैप किया प्रताप ने। हाँ भाई, क्योंकि प्रताप जान गया था कि आज कोर्ट में मीत ब्रो सबके सामने सच बताकर आपको बेगुनाह साबित करने वाली थी और मैं प्रताप के खिलाफ गवाही देने वाली थी, इसलिए उसने पहले मुझे किडनैप किया और फिर जब मीत ब्रो मुझे बचाने के लिए वहां पहुंची तो प्रताप ने उसे भी अपनी चाल में फंसा लिया। मतलब मीत हुड्डा ने तुम्हें बचाने के लिए सब किया? हाँ अनुराग, और मीत खतरे में, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज प्लीज तुम ही इस वक्त कुछ कर सकते हो। किसी तरह मुझे सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे इस कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दिलवा दो प्लीज। हाउ इज इट पॉसिबल, तुम पुलिस कस्टडी में हो, बाहर कैसे निकल सकते हो यहाँ से? अनुराग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम एक बड़े वकील हो, कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई तरकीब, कोई मोहलत, किसी तरह का कोई रास्ता तो होगा, कोई लूप होल निकालो प्लीज, किसी से बात करो, लेकिन मेरा मीत के पास जाना बहुत जरूरी है। ओके ओके, वेट अ मिनट। अब एक्सक्यूज मी सर, केस नंबर 8910 हाजिर हो। मुलजिम मीत अलावत कोर्ट में हाजिर हो। क्या बात है अनुराग बाबू, मीत अलावत अब तक कटघरे में लाके क्यों ना खड़ा किया गया है? आज उसके पापों का हिसाब होना है, काम हो चुका है बैठा है वो। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए और शांत रहिए, हम कोर्ट में बैठे। आज थारा तेवर कुछ बदला बदला दिख रहा है, मन चल के रहा है। मिस्टर अनुराग, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम आपके केस की हेयरिंग एक घंटा डिले शुरू कर रहे हैं, फिर भी अभी तक ना तो मुलजिम यहाँ पर है और ना ही उनका डिफेंस करने वाली मित्र हुडा। योर ऑनर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, बस कुछ देर और वो आते ही होंगे। अब और वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता, पहले इस केस से जुड़े हुए इंस्पेक्टर को बुलाओ। क्या हम मान लें कि आपसे भी कोई लापरवाही हुई है जिसके लिए हमें आपको दंडित किया जाना चाहिए? योरोना, मुलजिम का कोर्ट में पेश ना होने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमें कुछ देर की मोहलत और दे दें। मिस्टर अनुराग, आप लॉयर हैं, आपको पता है कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का चार्ज लगा सकता हूं। योर ऑनर, कोर्ट की गंभीरता और मर्यादा का एहसास है मुझे, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे कुछ देर की मोहलत आप और दे दें, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए और सच दुनिया के सामने आए उसके लिए। प्लीज योर ऑनर, बस कुछ देर की मोहलत।